शव मेहंदी है रचने वाली में, इस बार पल्लवी की अम्मा करवाने वाली है राघव और पल्लवी की शादी। जी हम आपको बताते चले, इस बार कहीं ना कहीं राघव की अम्मा लेकर आएगी शादी का प्रस्ताव, वो भी पल्लवी के घर, और उसे ये लगेगा कि पल्लवी मेरे बेटे राघव के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, जिसकी मंजूरी कहीं ना कहीं अब राघव की अम्मा तो दे जाएगी, और इस बार तो पल्लवी भी कहीं ना कहीं शादी के लिए हामी भर देगी, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं यही लगेगा कि शायद शादी के जरिए अब सब कुछ सही होगा, मेरे आई बाबा यानी मेरे मम्मी पापा का ख्याल भी अब बहुत अच्छी तरह राघव रख सकता है। लेकिन अब राघव को तो पता ही नहीं होगा शादी के बारे में, लेकिन अब राघव भी शायद शादी के लिए हामी भर सकता है, क्योंकि अपनी अम्मा के लिए यानी अपनी माँ के खातिर राघव बड़ी सी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सच में पल्लवी और राघव शादी के बंधन में बन जाएंगे, और शादी के बाद इनका नया सफर किन किन नई चुनौतियों को लेकर आने वाला है, ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल।